अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका बहस मत करो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी। सॉरी सॉरी, लगी तुम्हें? नहीं नहीं, मिनी फ्रिज है ना। तुम ये ऑरेंज खाओ, तब तक नीचे से कुछ मंगवा लेंगे, ओके? रिफिन जी, इसमें तो आधे से ज्यादा पानी है, इसे खाने से अच्छा ये होगा कि हम दो ग्लास पानी ही पी लें। चिप्स तो खाओगी? हाँ, ये मिर्ची वाली चिप्स है ना, इसमें स्वाद होगा, ये खाते हैं। सॉरी, हल्के से ठीक है? हाँ, पहले से बेहतर है। रियली सॉरी। तब तक तुम ये चिप्स खाओ, हम नीचे जाते हैं और फिर कुछ खा लेंगे, ठीक है? चलो आराम से। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो डकार आ रही है। डकार आ रही है ना, तो वापस क्यों भेज दी? खुल के डकार लो ऐसे। थैंक यू देवम जी, हमें हमारे रूप में अपनाने के लिए। आप कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है वक्त के साथ जैसे हमारा प्यार आपके लिए बढ़ा है, वैसे ही आपके दिल में भी हमारे लिए जगह बन जाए। थैंक यू। देवम जी, हमने आइसक्रीम मंगा तो ली है, पर यहाँ पे कुछ भी शुगर फ्री नहीं है। हम ऐसे अकेले खाएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या कर सकते हैं, तुम खा लो। दिव्यम जी, पीछे आपके लिए शुगर फ्री चॉकलेट। अब हम अकेले आइसक्रीम खाएंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा, ये लीजिए। बेस स्मार्ट राधिका। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को कुछ
दर्पण सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ दर्पण, प्रेम की बांसुरी पे पिरोले प्रेम। दिल तो कह रहा है कि ये वक्त यहीं थम जाए, बस हम दिव्यम जी और ये समा और तीसरा कोई नहीं। राधिका, राधिका, सॉरी 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 डॉक्टर भैया, आपने एक लेडी को यहां से भागते हुए देखा क्या? जी सर, सर अब नहीं है। राधिका, अब जो कोई भी है प्लीज दरवाजा खोलिए, हमारी बात सुनिए। देखिए प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए ना, आप कुछ भी मत कीजिएगा, प्लीज दरवाजा खोलिए। राधिका क्या कर रही हो तुम? ऐसे कैसे किसी के भी कमरे में घुस सकती हो तुम? तिफिम जी अभी सवाल करने का वक्त नहीं, आप अभी दरवाजा तोड़ दीजिए प्लीज। ये बोले ना बस ये दरवाजा खुल जाए। राधिका, मुझे पूरा विश्वास है मेरे शिव जी, मेरे नाहर जी अपने प्यार को हारने नहीं देंगे, वो जरूर आएंगे। भोलेनाथ की शादी है, सारे बाराती नाचेंगे। भोलेनाथ की शादी है, सारे बाराती नाचेंगे। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। राधिका, तुम ठीक तो हो? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं तुम? ये कौन? तिफिम जी वो हम ठीक हैं। ये तो हमारी चूड़ी टूट गई थी, उसमें से खून आ गया। ये देखिए, हम ठीक हैं। पर वो ठीक है ना? ये इस रूम से गोली चलने की आवाज कैसे आई? सर आप
उठिए उठिए, आराम से आइए आइए। आप ठीक तो है ना? वैसे तो हमने तो बंदूक को हवा में कर दिया था, लेकिन आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? आप ठीक है? थैंक गॉड इन्हें कुछ हुआ नहीं। आखिरकार कौन है आप और ऐसे खुदकुशी क्यों करने जा रही थी? देखिए हमारी तरफ, आप घबराइए मत, हम कुछ नहीं करेंगे। आप अपना चेहरा तो दिखाइए एक बार प्लीज। काया, तुम्हें पता है काया, जब तुम हमारी साथ होती हो ना, तो हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ साथ चलता है। काया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि तुमने बहुत देर कर दी। काया, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? तुम विदेश गई थी ना, वहां से वापस कब आई? यहाँ पर कैसे? और ये तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी काया? और तुम वो बंदूक से क्या करने वाली थी? काया कुछ तो बोलो। जी, देखिए ना, काया को क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। काया, काया क्या हुआ है? वो रिसोर्ट में गोली चली है, तो मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। काया, 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 काया क्या कर रही हो? नहीं 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 काया, कोई 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 पुलिस नहीं आएगी। प्लीज प्लीज, कोई 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 पुलिस नहीं आएगी। ओके मैम। कुछ कुछ नहीं काया, कोई पुलिस नहीं आ रही है। सर प्लीज, सर सर एक सेकंड चलेगा, प्लीज प्लीज सर। काया आओ आओ, यहाँ पर आओ, बैठो बैठो, यहाँ यहाँ पर बैठो बैठो। काया ये लो पानी पियो। सर देखिए, बाथरूम में किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब एकदम ठीक है, तो फिर पुलिस को क्यों इन्वॉल्व करना है? जाने दीजिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, रिसोर्ट में गोली चल चुकी है, सारे गेस्ट घबरा गए हैं, मैंने जैसे तैसे करके उनको संभाला है, अगर मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा तो वो लोग बुला लेंगे। देखिए सर, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप किसी भी तरह से इस बात को संभाल लीजिए, ये दोबारा नहीं होगा। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि दोबारा नहीं होगा? आप जानते हैं उन्हें, वो कौन है, आपकी लगती क्या है? मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बना के रखूँ, किसी भी हाल में इस रिश्ते को जरूर बचा के रखूँ। बताइए क्या लगती है? सर वो मेरी पत्नी की बहन है, और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब एक बार उसकी तरफ देखिए तो सही, उसकी हालत कैसी है, एक बार हमें जानने का मौका तो दीजिए कि वो इतनी डरी हुई क्यों है, सहमी हुई क्यों है, प्लीज। ठीक है, आपके और हमारे इतने पुराने रिलेशन है, इसलिए मैं जाने देता हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता हूँ। थैंक यू सर। बट वो गन हमें दे दीजिए। जी सर, प्लीज। थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा सा पी लो। ये
मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बना के रहूंगा। क्या कॉन्फ्रेंस पे गोली चली? हाँ चाची, सोशल मीडिया पे लोगों ने पोस्ट किया है। लेकिन ऐसे कैसे गोली चल गई? अब कहीं वहां गैंग वॉर तो नहीं हो गई? कली चुप कर। बस बस, किसी को भी ऐसे वैसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। गोलू बेटा, राधिका और दिगम की कोई खबर? गोलू तू एक काम करना बेटा, मुन्ना को फोन करके पता कर कि वहां सब ठीक है ना। वो ठीक है चाची, दिगम और राधिका दोनों फोन नहीं उठा रहे। ये राधिका, हमें उस राधिका को अपने मुन्ना के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। एक नंबर की अपशगुनी है। आज तक तो कभी मुन्ना की किसी भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और पहली बार वो राधिका गई और इतनी बुरी खबर मिली है। बस हो जाता, ये वक्त नहीं है राधिका को कोसने का। ये मत भूलो, वो भी इस घर की बच्ची है। चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हमारे मुन्ना को कुछ भी हुआ ना, तो हम उस राधिका को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। हे भोलेनाथ, दोनों बच्चों की रक्षा करना, दोनों सही सलामत घर वापस आ जाए, कृपा करना प्रभु। काया, क्या बात है, तुम इतनी डरी सहमी सी क्यों? काया, किसने किया तुम्हारा ये हाल? और जब उस वक्त तुम हमसे टकराई थी, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? किससे डर के भाग रही हो काया, बताओ। तुम तो मॉडलिंग के लिए बाहर गई थी ना, तो यहाँ कब भाई? और चाचा चाची को कुछ पता है तुम्हारे बारे में? काया, एक्सक्यूज मी मैम, इन मैडम का सामान कब से बाहर रखा हुआ था? अंदर रख दूं? सॉरी मैम। भैया आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, आप जाइए। लगता है राधिका देव आ गए। आइए सब, चलिए। मुन्ना तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? गोलू ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में गोली चली। क्या हो राधिका बेटा, तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना? हाँ पापा जी, हम तो ठीक हैं, लेकिन। लेकिन क्या राधिका? तेरी पसंद हमारी पसंद है मुन्ना, तेरी शादी तो हम काया से ही करवाएंगे।
ये यहाँ कैसे? हम आप सबसे विनती करते हैं, हमारी बहन की हालत ठीक नहीं है, इस वजह से हम उसे अपने साथ यहाँ पर ले आए। क्या आप लोग प्लीज काया को यहाँ पर एक दिन रहने की इजाजत दे सकते हैं? लेकिन काया इस हालत में तुम दोनों को रिजॉर्ट में कैसे मिले? वो सब कुछ तो ठीक है, पर ये चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ताई जी, वो शायद काया को किसी बात का सदमा लग गया है, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन राधिका बेटा, तुम काया को उसके घर क्यों नहीं लेकर गई? पापा जी, वो दरअसल मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं रह गया है। मेरे मम्मी पापा भी मुझसे नाराज हैं, ना वो मुझसे बात करना चाहते हैं, ना मेरी शक्ल देखना चाहते हैं। मैंने सबका दिल दुखाया है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मेरे मर जाने में ही सबकी भलाई है। हमें काया की परेशानी का कारण तो नहीं पता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस वक्त काया को अपनों के साथ की जरूरत है। हम जब तक चाचा जी और चाची जी से बात नहीं कर लेते, तब तक हम काया को वहां पर नहीं ले जा सकते। इसलिए प्लीज आप लोग काया को इस घर में एक दिन रहने की इजाजत दे दीजिए।